नमस्कार, समाजशास्त्र विषय की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना था सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया। इसमें हमें सबसे पहले विषय का चुनाव किस प्रकार से करना है, फिर अगले में हमने जाना उस विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन, यानी कि उस विषय से संबंधित पहले कौन कौन से अध्ययन कार्य हो चुके हैं, इसके अलावा उस विषय की इकाइयों का निर्धारण करना व प्राकल्पनाओं का निर्माण करना। आज हम जानेंगे अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण व सूचनादाताओं का चुनाव करना। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना, अध्ययन क्षेत्र या शोध क्षेत्र का निर्धारण मूलतः किसी भी शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उस शोध विषय की प्रकृति क्या है। इसमें शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र का स्पष्ट रूप से निर्धारण करना चाहिए ताकि तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन किया जा सके एवं शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य ये है कि शोधकर्ता शोध कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं का, उसकी भौगोलिक स्थिति का, उसकी जनसंख्यात्मक स्थिति का व अन्य आधार पर निर्मित का शोधकर्ता को पूर्व निर्धारण कर लेना आवश्यक समझा जाता है और ऐसा करने से उस शोधकर्ता के शोध कार्य में लगे हुए अन्वेषकों का ध्यान एवं प्रयत्न उस क्षेत्र विशेष पर सीमित हो जाता है, जिससे अनुसंधानकर्ता को निष्कर्ष निकालने में कठिनाइयां नहीं होती हैं। अतः अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र को न तो अधिक छोटा होना चाहिए और न ही अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में अध्ययन का जो निष्कर्ष है वो सही नहीं निकाला जाता। जब यदि अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक छोटा है तो उस अध्ययन के आधार पर उपयोगी निष्कर्ष निकालना कठिन होता है और इसी प्रकार अगर अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा है तो भी अध्ययन के आधार पर शोध कार्य निश्चित समय में पूरा करने में मुश्किल उत्पन्न होती हैं। फिर आता है सूचनादाताओं का चयन करना। शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित करना एक बहुत ही थका देने वाला व कठिनाई युक्त कार्य माना जाता है। फिर भी यदि अध्ययन क्षेत्र छोटा है या सीमित है तो प्रत्येक इकाई से सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं और इस विधि को हम संगणना विधि या सेंसस मेथड के नाम से जानते हैं। जैसे जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करके सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, परंतु इस विधि के द्वारा अध्ययन करने में काफ़ी अधिक श्रम लगता है, काफ़ी अधिक समय लगता है और साधन व धन की लागत भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। अतः अध्ययन के लिए निर्दर्शन विधि यानी कि सैम्पलिंग मेथड का उपयोग किया जाना अधिक उपयोगी माना जाता है। इस विधि के द्वारा समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है और समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव शोधकर्ता अपने मनमाने ढंग से नहीं करके निर्दर्शन या प्रतिचयन की निश्चित विधियों को काम में लेते हुए वस्तुनिष्ठ ढंग से संपन्न करते हैं ताकि सूचनादाताओं के चुनाव में किसी भी प्रकार के पक्षपात की संभावना
नहीं रहे। यहाँ ये भी निर्धारित करना होता है कि सामग्री में से कितनी इकाइयों का चुनाव सैंपल के रूप में किया जाएगा। ये माना जाता है कि निदर्शन के रूप में चुने गए लोगों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं और वे निष्कर्ष उस संपूर्ण समग्र पर लागू होते हैं और वे निष्कर्ष उस संपूर्ण समग्र का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार निदर्शन के रूप में सामान्यतः 10%, 20% या अध्ययन क्षेत्र के सीमित होने पर इससे भी कुछ अधिक इकाइयों का चुनाव किया जाता है। धन्यवाद।